और मैम जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर बाहर है, स्कूल से बच्चा आ रहा है, तो अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक डिजीनेस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, मतलब गर्मी की वजह से जो आप बताते हो एग्जॉशन, तो इसमें हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं? गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, और हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर कि ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। तो इन सब का सोल्यूशन आज हमारे पास है। मैं हूँ विदुषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है द गुड हेल्थ शो में। और आज हम बात करने वाले हैं समर डिजीज़ और किड्स, और उसी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संचिता सिंह। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैम गर्मियाँ जैसे ही आती हैं तो हम हमारे चाहे छोटे भाई बहन हो, बच्चे हो, हम उनको बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। और आप इस प्रोफेशन में तो आपने देखा होगा कि इस टाइम पर कितना ज़्यादा रश भी रहता है। तो मैम सबसे पहले आज हम ये बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछूंगी जो सब लोग जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस। तो हम सबसे पहले मिथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैम जैसे मिथ आते हैं कि जो सनबर्न है बच्चों को वो डेंजरस नहीं है और ये एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम है अगर सनबर्न हो जाती है, तो ये मिथ है या फैक्ट है? नो, दिस इज अ मिथ। सनबर्न्स आर डेंजरस, एक्चुअली दे आर एक्चुअली वेरी डेंजरस। तो दैट इज द रीजन व्हाई सनस्क्रीन्स आर अ मस्ट नाउ। सनस्क्रीन्स एंड प्रोटेक्शन इन अदर वेज लाइक वेयरिंग कैप्स, सनग्लासेस, हैट्स, all these need to be worn, especially when the child is outside in the sun between periods of 11 to 3, the peak period for the sun to be there. ओके मैम, जैसे कि कुछ बोलते हैं कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों को सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, उनकी स्क्रीन जो स्किन है वो खराब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन इज अ मस्ट, स्पेशली ड्यूरिंग आउटडोर एक्टिविटीज, स्पेशली इन चिल्ड्रन ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एज। मैम जैसे बच्चों को स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और पूल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? हमें नहीं करनी चाहिए स्विमिंग बच्चों को? नहीं, स्विमिंग ज़रूर करनी चाहिए। सबसे अच्छा आउटडोर स्पोर्ट्स समर्स में स्विमिंग है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। बट उसके साथ साथ हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सनस्क्रीन, अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा आपका आपको अपने ईयर का ध्यान रखना है, ईयर में पानी जाता है तो स्विमर्स ईयर बहुत कॉमन चीज़ होती है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और यूजली क्लोरीन यूज होता है स्विमिंग पूल में टू प्योरीफाई द वाटर, तो उसके लिए भी इट इज़ ऑल अबाउट स्किन। जब आप लोग जब हम पूल में घुसते हैं, बच्चे घुसते हैं, उससे पहले शावर, बाद में शावर, और उसके बाद फिर पूरा एक मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, सो स्विमिंग तो इम्पोर्टेंट है, बस कुछ कुछ चीजें आप करोगे तो इट्स वेरी नाइस एंड इट्स गुड गुड फॉर हेल्थ। यस। ओके मैम, आइसक्रीम खाना तो बड़ों को भी पसंद होता है, बच्चों को भी पसंद होता है, बट हम रोकते हैं बच्चों को कि नहीं नहीं आइसक्रीम नहीं खानी है, तो बीमारियां हो सकती हैं आइसक्रीम से या फिर नहीं? टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स है ना, तो डिपेंड करता है। यूजली बीच में बहुत आया था कि मैक्सिमम जो ब्रांड्स आ रहे हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड्स, सब वो आइसक्रीम पर से नहीं है, वो फोमिंग एजेंट्स हैं, फोमिंग केमिकल्स हैं जो हम खा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर हम वो खा रहे हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, पर अगर हम नेचुरल आइसक्रीम्स जो कि नेचुरल की है तो वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चे आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? एग्जैक्टली। एंड मैम जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए समर्स में, बड़ों को भी बच्चों को भी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट? यस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हाइड्रेशन इज द की। कुछ भी गर्मियों में प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हमारा पानी की मात्रा ही कम होती है बॉडी में, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। सो हाइड्रेशन हमें सबसे सही रखना है। पानी हमें पानी नारियल पानी, नींबू पानी, ऐसी चीज़ें पीनी है। ओके मैम, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, पानी पीना उनको पसंद नहीं होता है, तो जैसे आपने बताया कि हम उनको नारियल पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, और कैसे कैसे हम पानी पिला सकते हैं बच्चों को? इलेक्ट्रॉल, ORS ये दे सकते हैं। हमें ना कोई भी वो चीज़ नहीं देनी, जैसे बहुत सारे बच्चे जूसेस, बहुत सारे पेरेंट्स ही जूसेस पिला देते हैं। एक तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, दूसरा उसमें जो चीनी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें नहीं देना है। एनीथिंग विच हैज शुगर वो हमें नहीं देनी है। ओनली शुगर, हमें शुगर एंड सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट इसका मिक्सचर देना है। ओके, तो जो बाहर पैकेज जूसेस होते हैं वो नहीं देने, वो मॉडरेशन में देने। वंस इन अ व्हाइल अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं है हमारे पास कुछ, तो हमें तो हम वी शुड अवॉइड इन जनरल। वैसे फ्रेश जूसेस आर यस। ओके मैम, तो ये कुछ मिथ्स थे हमारे पास।
अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में ये ही आता है कि कौन कौन सी ऐसी समर डिजीज है जो बच्चों को इस टाइम लग सकती है। As we all know, 2024 ग्रेट सबसे ज्यादा गर्म ईयर होने वाला है, एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, हमें उसकी झलक दिख सकती है, है ना? सो एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समर ब्रेक जो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है बच्चों में, उसमें हम बच्चों का ध्यान रखें। इसमें हम जो समर डिजीजेज होते हैं, दो प्रकार में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो गर्मी के कारण जो हो रहा है, और एक जो बीमारियां गर्मी के कारण पनप रही हैं। दोनों चीजें उसमें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गर्मी के कारण, जिनको हम हीट रिलेटेड इलनेसेस बोलते हैं, उसमें हमारे चार प्रकार आते हैं, हीट एग्जॉशन, हीट सिंकोप, और हीट क्रैम्प्स एंड हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक तो बिल्कुल आखिर में होता है, जब हम बिल्कुल पहले रोक नहीं पाते। बच्चों में यूजुअली हमें हीट एग्जॉशन और हीट क्रैम्प्स दिखते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि बच्चे समर ब्रेक्स में यूजली बाहर जाते हैं, कैंप्स होते हैं, खेलते हैं, और अपने पानी का ध्यान नहीं रखते। तो अगर हमें ये, हमने चार चीज़ें देख ली, अगर हमें पता होता है पेरेंट्स को, तो इसमें भी अगेन सेम पॉइंट, हाइड्रेशन इज द की। और एक होता है जो समर के कारण, गर्मियों के तापमान के कारण जो तकलीफ आती है, उसमें एक है आपकी जो वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, जो हमारी कॉलरा, जॉन्डिस, डायरिया, उसके अलावा जो हमारे इंसेक्ट बाइट्स वगैरह बहुत कॉमन रहते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, है ना, मच्छर आना शुरू हो जाते हैं समर के आखिर आखिर तक। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे बाहर के खाने से होता है, इम्प्रॉपर हाइजीन और अनकुक्ड फूड खाने से, और जो बाहर का वेंडर, स्ट्रीट वेंडर से खाने से जो चीज़ें होती हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैम क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देखकर पेरेंट्स समझ जाएंगे कि ये हेल्थ रिलेटेड इलनेस हमारे बच्चे को तो नहीं हो गई, क्या साइंस एंड सिम्टम्स? सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि हम हीट एग्जॉशन का बच्चों का पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही सिम्टम आता है। हीट एग्जॉशन बहुत बहुत कॉमन होती है ड्यूरिंग द समर ब्रेक। ऑल्सो जब लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग इज़ अ न्यू ट्रेंड, सो एवरीवन ट्रैवल्स, और जहाँ पे भी हीट होगा तो वहाँ पे व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें देखना, बट पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या होगा तो होगा। एक तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाएगी इनिशियली, बच्चा हल्का सा फेंटिंग एपिसोड हो सकता है अगर पानी पर्याप्त मात्रा में ना पिया हो। दूसरा हल्का सा अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, ठंडा ठंडा हाथ और पैर ठंडे होने लग जाते हैं, है ना, ये होता है। बाकी डिजीनेस बहुत कॉमन सिम्टम होता है, तो ये हमारा हीट एग्जॉशन, और हीट क्रैम्प होगा तो हमारे बच्चों के पैरों में दर्द होगी, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, ओके सब होगा। और जो हमारे बाहर का खाना या गलत पानी पीने से होगा, उसमें पेट दर्द, उल्टी, दस्त, ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी। ओके, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, बट ये मेन है क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी में सबसे पहले यही आता है। नहीं, और मोरओवर ओवरलैपिंग सिम्टम बहुत होते हैं, एक्जेक्टली, चाहे हीट की वजह से हो, चाहे हमारे दूसरी चीज़ों की वजह से हो, गर्मियों में ओवरलैपिंग सिम्टम्स बहुत होते हैं। ओके, और मैम जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर बाहर है, स्कूल से बच्चा आ रहा है, तो अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक डिजीनेस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, मतलब गर्मी की वजह से जो आप बताते हो एग्जॉशन, तो इसमें हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं?